हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा स्कॉट लाइव। गाइस, आज मैं करने वाली हूँ डर्मा रोलर का अनबॉक्सिंग और रिव्यू। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डर्मा रोलर होता क्या है, इसको कौन यूज़ कर सकता है, कौन यूज़ नहीं कर सकता, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसे यूज़ कैसे करना है। इस वीडियो में मैं आपको डर्मा रोलर की पूरी डिटेल देने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो गाइज, इस डर्मा रोलर को मैंने फ्लिपकार्ट से 249 रुपीज़ में परचेज़ किया है और ये मुझे इस तरीके के बॉक्स में रिसीव हुआ है। तो चलिए फटाफट से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो गाइज, ये है ZGTS क्लिनिक एयर्स ट्रीटमेंट सॉल्यूशन डर्मा रोलर। गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्हें हम अच्छे से रीड कर लेते हैं। डू नॉट रीयूज्ड हेड, डू नॉट शेयर विद अदर पर्संस, डू नॉट रोल टू मच मोर देन इंडिकेटेड टाइम, कीप द माइक्रो नीडल पार्ट ऑलवेज क्लीन, स्टोर इन अ सेफ प्लेस आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन। तो गाइज, सबसे पहली बात यह है कि इसका जो हेड है उसे बार बार रीयूज़ आप नहीं कर सकते हैं, और जो एक पर्सन इसे यूज़ कर रहा है वो सिंगल पर्सन ही इसे एक टाइम पे यूज़ कर सकता है। और गाइज, इसे इंडिकेटेड टाइम से ज़्यादा रोल नहीं करना है। ज़्यादा रोल करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर किसी की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसे यूज़ करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइज, आप जब भी डर्मा रोलर को यूज़ करें, यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद इसे स्टेरिलाइज करें और इसे रबिंग अल्कोहल आती है उसमें डिप करके रख दें। यूज़ करने से पहले भी आप इसे डिप करके रख दें और यूज़ करने के बाद भी, ताकि ये क्लीन रहे। तो गाइज, डर्मा रोलर की अगर पैकेजिंग की बात करूँ तो डर्मा रोलर की जो पैकेजिंग है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। गाइज, आपका प्रोडक्ट बिल्कुल सेफली और क्लीन तरीके से आप तक पहुँच जाएगा, और इस तरीके की पैकेजिंग में ये मुझे रिसीव हुआ है। तो चलिए फिर मैं आपको इसे फटाफट से खोल कर इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा वो मैं आपको शो कर देती हूँ। तो गाइज, ये है हमारा डर्मा रोलर। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लास्टिक का इस पे कैप दिया हुआ है ताकि आपके रोलर पे किसी भी तरीके की डस्ट और किसी भी तरीके का हार्म ना हो। और प्लास्टिक बॉडी हैंडल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं शेप ऐसी दी हुई है ताकि आप इसे ग्रिप कर सकें, और इसे यूज़ करना बहुत ही ईजी है। गाइज, डर्मा रोलर जो आते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक 192 नीडल्स वाला डर्मा रोलर आता है, और ये जो मैंने ऑर्डर किया है ये 540 नीडल्स वाला डर्मा रोलर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइटेनियम के बहुत ही माइक्रो नीडल्स है ये। तो अब मैं बता देती हूँ कि डर्मा रोलर का एग्जैक्टली काम क्या होता है। गाइज, आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में अगर कहीं पे भी चोट लग जाती है, स्क्रैच आ जाता है, कहीं पे भी मार्क रह जाता है, तो हमारी बॉडी में जो हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, हमारी बॉडी में जो हीलिंग फंक्शन होता है किसी भी चोट को हील करने, कई बार फेस पे एक्ने के दाग रह जाते हैं, पिंपल्स के दाग रह जाते हैं, एक बड़ा सा मार्क हमारे चेहरे पे दिखने लगता है। तो ऐसे में क्या होता है गाइस, जो हमारी बॉडी की हीलिंग प्रॉपर्टी है वो उस पॉइंट को, यानी कि जिस जगह पे हमारे पिंपल्स हुए हैं या जो भी पिगमेंटेशन की हमें प्रॉब्लम है, वो उसे हील करता है, बट एक लिमिट तक। और जो कोलेजन प्रोडक्शन होता है वो भी कम हो जाता है, तो वो मार्क पूरी तरीके से जाता नहीं। तो ऐसे में गाइस, डर्मा रोलर क्या करता है, जब आप उस एग्जैक्ट जगह पर डर्मा रोलर को डायगनली रोल करते हैं, तो गाइस डर्मा रोलर की जो ये टाइटेनियम माइक्रो नीडल्स होते हैं उसी एरिया पर छोटे छोटे पंक्चर्स कर देते हैं। हल्की ब्लीडिंग भी होती है, मतलब नाम के लिए ब्लीडिंग होती है, कोई ज़्यादा ऐसा पेन नहीं होता है, हल्का पेन होता है। तो ऐसे में क्या होता है, हमारे माइंड को सिग्नल मिलता है कि बॉडी के इस पार्ट पर कोई चोट लगी है और उस जगह को हीलिंग की ज़रूरत है। तो ऐसे में हमारा जो ऑटोमेटिक हीलिंग प्रोसेस होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो उसी पर्टिकुलर एरिया पर वो काम करना इफेक्टिवली शुरू कर देता है। मतलब कुल मिलाकर डर्मा रोलर का काम ये होता है कि जिस जगह पर चोट लगी है हम इसे उसी के ऊपर रोल करते हैं, तो उस पर थोड़ा सा और ज़्यादा दिक्कत आने लगती है, तो ये हमारे माइंड को एक्टिवेट कर देता है कि यहाँ पर चोट लगी है और इसे जल्द से जल्द रिकवर करना है। गाइज, हम डर्मा रोलर को ऑल स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे कि एक्ने के स्पॉट्स रह गए हैं, डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, पिंपल्स का दाग रह गया है, आपको हेयर लॉस हो रहा है, बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं इंस्टेंट वेट लॉस, वेट गेन करने की वजह से, तो उन सब चीज़ों में ये जो डर्मा रोलर होता है एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है। साथ ही साथ पिगमेंटेशन है,
सेलुलाइट हो गया है, पुराने से पुराने स्ट्रेच मार्क्स है, आप डर्मा रोलर को उस पर रोल कीजिए। महीने में दो बार आप इसे यूज़ कीजिए, मतलब हर 15 दिन में आप इसे यूज़ कीजिए, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है आपको। 3 से 4 महीने में इसके विजिबल रिजल्ट्स, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे गाइस। ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है। डर्मा रोलर को यूज़ करने से पहले आप जिस भी पार्ट पे या जिस भी एरिया पे डर्मा रोलर यूज़ करने वाले हैं गाइस, मेक श्योर कि वो क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल पूरी तरीके से ड्राई होना चाहिए। और आपको उसको 3 ही डायरेक्शन में रोल करना है, वर्टिकल, डायगनल और हॉरिजॉन्टल। और 10 टाइम्स आपको ये रोल करना है, उससे ज़्यादा रोल नहीं करना है। और डर्मा रोलर को यूज़ करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आती है वो उसकी नीडल्स को क्लीन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो डर्मा रोलर को यूज़ करने के बाद आप इसे 2 मिनट तक रबिंग अल्कोहल में डिप करके रख दें ताकि ये अच्छे से इसके नीडल्स क्लीन हो जाए। तो अब बात आती है गाइज़ कि हमें डर्मा रोलर का जो नीडल साइज़ है वो कौन सा लेना है, आपका अलग अलग कंसर्न होता है। तो गाइस डर्मा रोलर के 0.2 mm से लेकर 2.5 mm तक के नीडल साइज़ अवेलेबल हैं, बट जो मैं रिकमेंड आपको करना चाहूँगी वो 0.5 mm और 1.0 mm का डर्मा रोलर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी, जिससे हमारे जो भी कंसर्न होते हैं, हेयर रिजनरेशन है, रिग्रोथ है, फाइन लाइंस, एंटी एजिंग, रिंकल्स, ओपन पोर, पिगमेंटेशन, एक्ने स्कार्स, लाइट स्कार्स, सेलुलाइट, स्ट्रेच मार्क्स, डीप स्कार्स, इन सबको ये कवर कर लेता है। तो मैं आपको 0.5 mm और 1 mm का डर्मा रोलर रिकमेंड करना चाहूँगी। तो गाइज़ काफ़ी लोगों को डर्मा रोलर से रिलेटेड काफ़ी सारे मिथ्स है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज़। माइक्रो नीडल्स हैं, थोड़ा बहुत चुभता है, हल्की ब्लीडिंग भी होती है, लेकिन आपको इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलता है। तो गाइज़ ये था मेरा डर्मा रोलर के ऊपर डिटेल वीडियो। अगर इसमें कोई भी पॉइंट्स छूट गया है या अगर आपको डर्मा रोलर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका है, क्वेरी है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी।